हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ के यूट्यूब चैनल पर पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम फ्रेंड्स एक वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि छत्तीसगढ़ विधानसभा सभा सचिवालय के द्वारा निकाला गया है। ठीक है, सहायक ग्रेड 3 के पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु संशोधित विज्ञापन। ठीक है, तो देखिए 22/10/2019 को अपलोड किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय के अधीन सहायक ग्रेड 3 के रिक्त पद पर सीधी भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय की वेबसाइट www.cgvidhansabha.gov.in पर आमंत्रित किए जाते हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको फॉर्म भरना है। और इस विज्ञापन को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाइए डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए, पूरी नियमावली को पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको शॉर्टली जानकारी देने वाला हूँ। ऑनलाइन फॉर्म भी उसी वेबसाइट पे ही मिल जाएगा आपको, जिस पर अभी मैंने बताया ना कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहीं से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने वाला लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए पद का विवरण कुल मिलाकर 47 पद है फ्रेंड्स, है ना। टोटल जनरल एससी एसटी ओबीसी सबको मिलाकर, ना दिव्यांग वगैरह सबको मिलाकर यहाँ पर देख लीजिए, कुल मिलाकर 47 पद है। और देखिए ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ ऑनलाइन आवेदन फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर देना है। ठीक है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर संशोधित विज्ञापन 23/10/2019, शुद्धि पत्र दिनांक 25/10/2019, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 23/10/19 से अंतिम तिथि 6/11/2019 तक यहाँ पर देखिए दिया गया है। ओके, हाँ, तो ये मेन चीज़ें हैं। और हम आगे बात करेंगे कैसे इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसके बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं स्क्रीन पर आप, यहाँ पर है ना सहायक ग्रेड अनारक्षित के लिए 18 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 7 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए ओके 16 पद है, इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 6 पद है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं पद का देख लीजिए। ठीक है, कुल रिक्तिवार रिक्तियों की वर्गवार संख्या, फिर उसके बाद कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद। ठीक है, आरक्षित महिलाओं के लिए आरक्षित पद भी यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें महिलाओं के लिए आरक्षित पद है। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद दे दिया गया है। ठीक है, ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए, उसी तरह निःशक्त जन के लिए भी, कुल मिलाकर इसी तरह से 47 पद हैं। यहाँ वेतन मान भी देख सकते हैं। तृतीय श्रेणी कर्मचारी भर्ती है फ्रेंड्स, आप जानते हैं अगर सहायक ग्रेड 3 के बारे में, तो यह लेवल 4 का एक कर्मचारी होता है जिसका मैट्रिक्स 19,500 से 62,000 तक होता है। ओके, और यहाँ पर एक सामान्य जानकारी दी गई है, इस नियमावली को आप डाउनलोड करके खुद से पढ़ लें, क्योंकि यहाँ है ना और एक लंबी वैकेंसी इसमें नियमावली है, तो इसको एक क्लाइंट पढ़ना अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ जो जरूरी जानकारी है। ठीक है, आवेदक छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी होना चाहिए, मतलब आउट ऑफ छत्तीसगढ़ का नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसको भर्ती में पात्रता नहीं मिल पाएगी। ओके, जो मेन चीज़ है वही चीज़ बता देता हूँ। ठीक, छत्तीसगढ़ स्थानीय मूल निवासी निःशक्त जन हेतु ये जो दिख रहा है ना, ये चीज़ें, ये जो अगर मान लेते हैं विकलांग कैंडिडेट है तो इसी के लिए मान्य किया जाएगा। कंप्यूटर पर हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी टंकण कार्य में दक्ष एवं अनुभवी अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। सीधी सी बात है, देखिए यहाँ पर अनुभवी आदमी को प्राथमिकता दी जाएगी, यहाँ साफ साफ लिख दिया गया है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे। ऑनलाइन लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा की तिथि सूचना पृथक से दी जाएगी, मतलब इसका सीधी सी बात है कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगा, जो परीक्षा होगा लिखित परीक्षा वो ऑनलाइन होगा, उसी तरह से आपका कौशल परीक्षा बाद में, इन दोनों का जो डेट है डेट सिस इसी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और बाद में आपको अलग से दिया जाएगा। ठीक है, देखिए तृतीय श्रेणी और सहायक ग्रेड 3 और वेतन मैट्रिक्स लिखा हुआ है, जैसे ही अगर, हाँ इसके अलावा मैं बता देता हूँ, समय समय पर शासन के आदेश के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते दे होंगे, मतलब जो सैलरी आपको मिलेगा, जो अभी यहाँ पर श्रेणी 19,500 से 62,000 एक इस मैट्रिक्स लेवल बताया गया है, उसके अलावा है ना आपको जो महंगाई भत्ता वगैरह मिलते हैं वो तो मिलेंगे ही। 2 वर्ष की परीक्षा विधि में आपको रखी जाएगी। ठीक, और हाँ ये मेन चीज़ है, आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएँ,
मतलब इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल भाषा में बताता हूँ आपको फ्रेंड्स, यहाँ पर 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है, या और इसके अलावा आपके पास या तो DCA होना चाहिए, ठीक है, या तो PGDCA होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर में PGDCA होना चाहिए, ओके, या तो फिर आपके पास ITI होना चाहिए, ओके। कुल मिलाकर ये है कि मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष से डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो यहाँ एक और भी चीज़ें लिखी हुई है, उसको भी आप बड़े ध्यान से स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास कंप्यूटर का 1 वर्ष से डिप्लोमा होना चाहिए, कहने का तात्पर्य। थर्ड में देख सकते हैं, यहाँ पर दो चीज़ें हमने देखा, एक 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है, और कंप्यूटर की डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, ठीक। कंप्यूटर में हिंदी टाइप लेखन में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति, ठीक है, तो ये चीज़ ये होना चाहिए आपके पास 5000 की प्रति घंटे, ओके। और इसके लिए अलग से कौशल परीक्षा लिया जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ आयु से लेकर कुछ दिया गया है, 18 वर्ष से कम होना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक ना हो, ओके। और जो भी छूट दिया जाएगा वो छत्तीसगढ़ के शासन के जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों के तहत नियमानुसार छूट की पात्रता होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें हैं, इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा, कोई एकदम डिफिकल्ट चीज़ नहीं है जिसको आपको पढ़ के समझना आए, है ना। तो इसको पहले तो डाउनलोड कर लीजिए वेबसाइट में जाकर, या फिर मैं लिंक में दे दिया हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब एक चीज़ मेन चीज़ बता देता हूँ कि जितने भी आप चाहे ST हो, SC हो, BC हो, या फिर कोई विधवा परित्यक्ता हो, या फिर आपको किसी खेल में पुरस्कार मिला हो, जो भी जिस तरह की भी आपकी यहाँ पर आप लगाएंगे वो जो भी चीज़ जानकारी, और उसमें आपको देखिए यहाँ पर एक चीज़ उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ, ठीक है। और ये जैसे कि शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, जो इस टाइप का पुरस्कार, उनको अधिक से अधिक 5 वर्ष तक छूट दी जाए, तो कुल मिलाकर जितनी भी छूट मिलेगी आपको, वो मतलब आपको 45 वर्ष तक के ही अभ्यर्थी इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ साफ साफ लिख दिए गए महत्वपूर्ण टिप में, देखिए ना, है ना, नियुक्ति हेतु अधिकतम जो आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी, तो सब छूटों को मिला करके 45 वर्ष अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक। आयु की गणना 1/1/2019 के संदर्भ में की जाएगी, मतलब इसी की डेट से आपको गिना काउंट किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो सचिवालय द्वारा पूर्व में जारी विज्ञापन के परिपेक्ष में आवेदन कर चुके हैं, उन्हें पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं, उनके द्वारा पूर्व में भरे गए ऑनलाइन आवेदन मान्य होंगे। तो इस चीज़ को आप बड़े ध्यान से देखिए, जो पहले ही आवेदन कर चुके हैं, ठीक है, ये क्योंकि संशोधित विज्ञापन है, तो जो पहले ही आवेदन कर चुके हैं उन लोगों को पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, ओके फ्रेंड्स। और यहाँ भी और जानकारी दी गई है, तो उसको आप अच्छी तरह से खुद से पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म भरें, बिना पढ़े आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो लिखित परीक्षा होगा उसके लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगा जो कि ऑनलाइन होना है, बाद में कौशल परीक्षा होगा, ठीक है। उत्तीर्ण ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले मेरिट आधार पर तैयार की गई सूची में नाम हो, को निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को अंक सूचियों की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करने वाले अनिवार्य होगा, ठीक है। तो ये आफ्टर जैसे आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो ये चीज़ें आपको एलिजिबिलिटी के लिए जांच की जाएगी। तो यहाँ चीज़ दिए गए जो सर्टिफिकेट वगैरह है वही है जो आप पढ़े लिखे हैं, जो आपके पास होगा वो उसी सर्टिफिकेट को आपको दिखाना पड़ेगा, ओके। तो जाति प्रमाण पत्र के लिए भी यहाँ पर लिखा गया है, अगर आप ST हैं, SC हो, BC हैं तो देखिए, तो ये चीज़ें हैं, ओके। स्थायी जाति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, किसी तरह का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और किसी तरह का और कोई जानकारी चाहिए तो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ओके। और ये भी आपराधिक अभियोजन के संदर्भ में भी यहाँ जानकारी दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है फ्रेंड्स, है ना, आप इजीली इसको पढ़ के खुद से समझ जाएंगे। चयन प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, यहाँ साफ साफ विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं, ठीक है, कम से कम योग्यता को यहाँ बताया गया, और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार लिखित परीक्षा कौशल परीक्षा हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। सचिवालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी अभ्यर्थी का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा कौशल परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, तो ये इसके प्रोसेस हैं, ठीक है। यहाँ टिप भी दिया गया है, यदि विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों
प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्नानुसार चयन किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। ऑनलाइन आवेदन है तो आवेदन शुल्क, देखिए आवेदन शुल्क एक इंपॉर्टेंट थिंग है तो इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, स्थानीय निवासी जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त जन के लिए 200 रुपये, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो ST SC और जो निःशक्त जन है उनके लिए 200 रुपये और अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर, ठीक है, उसको 250 रुपये का यहाँ देना पड़ेगा। अनारक्षित श्रेणी के लिए 350 रुपये, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये ST SC है ना, और हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए है, ओके। और ये जो है ये जनरल के लिए है और ये है OBC के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ, यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा, सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, ओके। जो मेन चीज़ है उसको मैं बता दिया हूँ। और ये एक यहाँ पर परिशिष्ट एक परीक्षा योजना दिया गया है, ओके। तो अभ्यर्थियों का चयन निम्नानुसार किया जाएगा। चयन हेतु ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा का आयोजन होगा, ठीक है। वस्तुनिष्ठ पहले ही बताया कि यहाँ पर कैसा एग्जाम होने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो यहाँ एक उसका एक सिलेबस टाइप का दिया गया है, देखिए यहाँ पर 50 अंक का होगा। भाग एक, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान एवं भाग दो कंप्यूटर का ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान एवं भाग दो कंप्यूटर ज्ञान, ये कुल मिलाकर 50 अंक का होना है, ठीक है। तो कौशल परीक्षा जो लिखित परीक्षा होगा वस्तुनिष्ठ वाला, तो ये दो सेक्शन रहेंगे भाग एक में, ओके। ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर और जो कौशल परीक्षा है फ्रेंड्स वो भी 50 अंक ही होगा, बता देते हैं आपको। विज्ञापित पदों के 15 गुना अभ्यर्थी कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाएंगे। जो भी मतलब ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो होगा लिखित परीक्षा, ठीक है, जैसे 5 पद है तो उसके लिए 15 गुना है ना, 15 75 लोगों को बुलाया जाएगा कौशल परीक्षा के लिए, इस तरह से है। अभ्यर्थी का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त